अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 20,000 से लेकर 60,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको आपकी प्राइस के रेंज के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की मार्केट में नए स्मार्टफोन्स ने आना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो रियलमी नोट 50 हो, रेडमी 8 प्लस या फिर रेडमी नोट 30 प्रो मैक्स। इसके अलावा दूसरी तरफ पाकिस्तान की मार्केट में स्मार्टफोन्स की प्राइजेज ड्रॉप होने का सिलसिला अभी तक जारी है। तो इस सिचुएशन में अगर आपका बजट 20,000 से 60,000 रुपये की प्राइस रेंज के दरमियान है, आपको ओप्पो वीवो सैमसंग का कोई गेमिंग कैमरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन बाय करना है, तो आज की डेट में आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट किस प्राइस में आपको मिलने वाला है, तो ये जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका बजट आज की डेट में 18 से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज है और आपको इस प्राइस में कोई एवरेज यूजेस के लिए अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्नो का टेक्नो पॉप सेवन। इस वक्त आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट पाकिस्तान की मार्केट में बॉक्स पैक 19,500 रुपए की प्राइस में मिल जाएगा। आप इसे स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर टू पे आते हैं, अगर आपका बजट 20,000 है तो 20,000 में आपको एक ही स्मार्टफोन मिलने वाला है, जो कि है रेडमी का A2 प्लस। आज की डेट में आपको एक एवरेज स्पेसिफिकेशंस के साथ एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है, बजट फ्रेंडली है। ये स्मार्टफोन 3GB 64GB वाला वेरियंट आज की डेट में आपको पाकिस्तान की मार्केट से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में ऑफर किया जाता है, आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका बजट 20 से 25,000 रुपए की प्राइस रेंज के दरमियान है, तो आपको इस प्राइस में 4-5 स्मार्टफोन में सजेस्ट करने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहला स्मार्टफोन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आईटेल A70। आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकेशंस आप गूगल से चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन 4GB 128GB वाला वेरिएंट इस वक्त आपको पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट से 21,000 रुपए की प्राइस रेंज में ऑफर किया जाता है, आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में हमारा जो दूसरा स्मार्टफोन रहने वाला है, वो है रियलमी का नोट 50। ये रियलमी की जानिब से एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है और आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको 13 MP रियर कैमरा मिल जाता है, 5000 mAh बैटरी के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। ये स्मार्टफोन 4GB 64GB वाला वेरिएंट आज की डेट में आपको फुल डिस्काउंट के साथ 22,500 रुपए की प्राइस रेंज में पाकिस्तान की मार्केट से ऑफर किया जाता है, आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद 25,000 रुपए के बजट में तीसरा जो स्मार्टफोन रहने वाला है, वो है टेक्नो स्पार्क गो 24। ये स्मार्टफोन आज की डेट में आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ 19Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड किया गया है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है 5000 mAh बैटरी के साथ। एवरेज फास्ट चार्जिंग भी ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। आज की डेट में इस स्मार्टफोन के 4GB 64GB वाले वेरिएंट को पाकिस्तान की मार्केट से परचेज करने के लिए आपको 23,500 पे करने होंगे। इसी प्राइस टैग में आपको इन्फिनिक्स भी अपना एक स्मार्टफोन ऑफर करता है, जो कि है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 में भी आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, 19Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड किया गया है, रियर साइड में 30 MP कैमरा मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है, 5000 mAh बैटरी भी ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 4GB 64GB वाला वेरिएंट आज की डेट में आपको परचेस करने के लिए 23,500 रुपए पे करने होंगे, आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं वीवो के एक ऐसे स्मार्टफोन की जिसकी प्राइस तकरीबन 30,000 रुपए तक थी, इसके बाद ये स्मार्टफोन आ गया 25,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में। 25,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में ये स्मार्टफोन आपको एक अच्छी और वैल्यूएबल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इसका नाम है वीवो Y02T। ये स्मार्टफोन आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट आज की डेट में पाकिस्तान की मार्केट में फुली डिस्काउंट के साथ 24,000 रुपए की प्राइस रेंज में ऑफर किया जाता है, आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं रेडमी के एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरफ, जिसका नाम है रेडमी A3। रेडमी A3 आपको इन सब स्मार्टफोन से बेटर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। अगर आप रेडमी लवर हैं तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं 25,000 रुपए के बजट में। ये स्मार्टफोन 4GB 128GB वाला वेरियंट 5000 mAh बैटरी के साथ आज की डेट में आपको 25,000 रुपए की प्राइस ऑफर करता है, आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस आप गूगल से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 25 से 30,000 रुपए की प्राइस में, तो यहाँ भी आपको 7 स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला स्मार्टफोन रहने वाला है टेक्नो स्पार्क 10C। स्पार्क 10C आज की डेट में आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 19Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड किया गया है, रियर साइड में 60 MP कैमरा, 8 MP सेल्फी के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है 5000 mAh बैटरी के साथ। ये स्मार्टफोन इस वक्त आपको 4GB 128GB वाला वेरियंट फुली डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान की मार्केट से 25,500 रुपए की प्राइस रेंज में ऑफर किया जाता है, आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने बजट में 500 रुपए मजीद ऐड कर लेते हैं, तो आपका बजट बन जाएगा 26,000, जिसमें आपको मिलने वाला है टेक्नो स्पार्क 20C। स्पार्क 20C पाकिस्तान की मार्केट में एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है और यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले 19Hz रिफ्रेश रेट वाले पैनल के साथ प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे 50 MP कैमरा प्रोवाइड किया गया है 5000 mAh बैटरी के साथ। 80W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4GB 128GB वाली स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन फुल डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान की मार्केट से 26,000 रुपए की प्राइस रेंज में ऑफर किया जाता है,
सकता है, आप इसे स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। 26,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको Realme C51 भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये स्मार्टफोन आपको 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड करता है। रियर साइड में 50 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है 5000 mAh बैटरी के साथ। 33 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। आज की डेट में इस स्मार्टफोन के 4GB 64GB वाले वेरियंट को पाकिस्तान की मार्केट से परचेज करने के लिए आपको 26,000 रुपए पे करने होंगे। अब आते हैं एक बेस्ट स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, जो कि आपको मिलने वाला है 28,500 रुपए की प्राइस रेंज में। इस स्मार्टफोन का नाम है Infinix Hot 40i। Hot 40i में आपको 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड किया गया है। रियर साइड में 50 मेगापिक्सल कैमरा है। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड प्रोवाइड किया गया है 5000 mAh बैटरी के साथ। 80 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। आज की डेट में इस स्मार्टफोन के 8GB 128GB वाले वेरियंट को परचेज करने के लिए आपको 28,500 रुपए पे करने होंगे। अगर आज की डेट में आपका बजट 30,000 रुपए है और 30,000 रुपए के बजट में आपको कोई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ Vivo 10 Note 24 में आपको 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिल जाता है। MediaTek Helio G99 वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा 30 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। अगर डिटेल स्पेसिफिकेशन आप गूगल से चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन 8GB 256GB वाला वेरियंट आज की डेट में आपको फुल डिस्काउंट के साथ 29,500 रुपए की प्राइस रेंज में पाकिस्तान की मार्केट से ऑफर किया जाता है। आप इसे स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 30,000 रुपए का बजट। 30,000 रुपए के बजट में आपको Redmi 13C, Redmi 13C एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस, एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। इस स्मार्टफोन के 6GB 128GB वाले वेरियंट को परचेस करने के लिए आपको 30,000 रुपए पे करने होंगे। मेरी माने तो 30,000 रुपए के बजट में आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि 30,000 से 35,000 रुपए की प्राइस में हमें आज की डेट में कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो इस प्राइस में सबसे पहला स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है Redmi 12। Redmi 12 आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक बेटर स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती है। ये स्मार्टफोन 4GB 128GB वाला वेरियंट आज की डेट में आपको 31,500 रुपए की प्राइस रेंज में पाकिस्तान की मार्केट से ऑफर किया जाता है। आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप अपने बजट में 1,000 रुपया मजीद ऐड कर लेते हैं तो आपको मिलने वाला है Realme C53। Realme C53 की थोड़ी स्पेसिफिकेशन बता दूं तो यहाँ पे आपको 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड किया गया है। रियर साइड में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 5000 mAh बैटरी के साथ। 33 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। आज की डेट में इस स्मार्टफोन के 6GB 128GB वाले वेरियंट को पाकिस्तान की मार्केट से परचेज करने के लिए आपको 32,500 रुपए पे करने होंगे। आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 35,000 से 40,000 रुपए के बजट में आपको कौन से स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे Vivo Y17s। Vivo Y17s एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप इस स्मार्टफोन के 4GB 128GB वाले वेरियंट को आज की डेट में पाकिस्तान की मार्केट से बॉक्स पैक कंसीडर करना चाहते हैं तो आपको ये 33,000 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन के 6GB 128GB वाले वेरियंट को परचेज करते हैं तो ये स्मार्टफोन इस वक्त आपको 36,500 रुपए की प्राइस रेंज में पाकिस्तान की मार्केट से मिल जाएगा। आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। 40,000 रुपए के बजट में आपको Infinix का Note 30 भी मिलने वाला है, जो कि आपको एक बेटर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है MediaTek Helio G99 गेमिंग प्रोसेसर के साथ, और यहाँ पे 45 वाट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। इस स्मार्टफोन के 8GB 256GB वाले वेरियंट को आज की डेट में परचेज करने के लिए आपको 39,000 रुपए पे करने होंगे। अब आते हैं कि 40,000 से 50,000 रुपए की प्राइस में आज की डेट में आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। अगर आप कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं जो कि स्पेसिफिकेशंस में भी ठीक ठाक प्रोवाइड किया गया हो, तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं Realme C67। Realme C67 आपको एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। यहां पे 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, और यहां पे स्नैपड्रैगन 685G वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है 5000 mAh बैटरी के साथ। 33 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है, और इस स्मार्टफोन में 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले पैनल का भी यूज किया गया है। लेकिन यहां पे नंबर गेम पे आप 108 मेगापिक्सल के कैमरा पे ना जाइएगा, क्योंकि प्रोसेसर और कैमरे का आपस में मैचिंग नहीं है, तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलने वाली। बाकी ओवरऑल ये स्मार्टफोन अच्छा है, कैमरा भी एवरेज परफॉर्मेंस के लिए काफी डिसेंट है। इस स्मार्टफोन के 8GB 128GB वाले वेरियंट को इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट से परचेज करने के लिए आपको 42,000 रुपए पे करने होंगे। 42,000 रुपए की प्राइस में आपको टेक्नो का पोवा 5 प्रो भी मिलने वाला है, जो कि एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। मेरी माने तो आप Realme C67 के बदले इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड किया गया है। रियर साइड में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है 5000 mAh बैटरी के साथ। 68 वाट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। आज की डेट में इस स्मार्टफोन के 8GB 256GB वाले वेरियंट को फुली डिस्काउंट के साथ आपको 42,000 रुपए पे करने होंगे। आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप अपने बजट में 2,000 रुपए मजीद ऐड कर लेते हैं तो आपका बजट 44,000 रुपए बन जाएगा। 44,000 रुपए की प्राइस में आपको Infinix Hot
40 प्रो मिलने वाला है। हॉट 40 प्रो में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलने वाला है, रियर साइड में 1108 मेगापिक्सल का कैमरा है, मीडियाटेक हेलियो G99 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 33 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 8GB 256GB वाले वेरियंट को आज की डेट में परचेज करने के लिए आपको 44,000 रुपए पे करने होंगे। इसके बाद आते हैं 50,000 से 55,000 रुपए की प्राइस में आपको कौन सा स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए। तो मेरी माने आपके लिए रेडमी नोट 13 एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। रेडमी नोट 30 में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल प्रोवाइड किया गया है 5000 mAh बैटरी के साथ। आज की डेट में इसी स्मार्टफोन के 8GB 256GB वाले वेरियंट को फ्री डिस्काउंट के साथ आपको 56,000 रुपए की प्राइस रेंज में ऑफर किया जाता है, आप इसे स्मार्टफोन को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है इन्फिनिक्स का नोट 30 प्रो, जो की आज की डेट में 60,000 रुपए की बजट में एक क्लियर स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन माना जाता है। इसी स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड करता है, ये स्मार्टफोन आपको रियर साइड में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, मीडियाटेक हेलियो G99 के प्रोसेसर के साथ और 68 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। आज की डेट में इसे स्मार्टफोन के 8GB 256GB वाले वेरिएंट को पाकिस्तान की मार्केट से परचेज करने के लिए आपको 58,500 रुपए पे करने होंगे, आप इसे स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद इन्फिनिक्स का 030 भी आज की डेट में आपको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है और इस स्मार्टफोन की भी प्राइस मुसलसल गिरती आ रही है। ये स्मार्टफोन आपको कर्व डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल प्रोवाइड करता है, 1108 मेगापिक्सल कैमरा भी मिल जाता है जो कि 2K30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और यहाँ पे मीडियाटेक हेलियो G99 वाला प्रोसेसर भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 45 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग भी स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। आज की डेट में इस स्मार्टफोन के 8GB 256GB वाले वेरिएंट को पाकिस्तान की मार्केट से परचेज करने के लिए आपको 63,000 रुपए पे करने होंगे। आज का जो हमारा आखिरी स्मार्टफोन रहने वाला है, अगर आप 80,000 रुपए की प्राइस में कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो वो है पोको M6 Pro। पोको एम सिक्स प्रो आपको 512GB वाला वेरियंट इस वक्त आपको पाकिस्तान की मार्केट से फुल डिस्काउंट के साथ 85,000 रुपए की प्राइस में मिलने वाला है, आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। सो व्यूअर, यही है बेस्ट स्मार्टफोन आपकी प्राइस रेंज के मुताबिक। आज की डेट में आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए था, जितना हमें इल्म था हमने आपको बता दिया और कोशिश भी की कि आपको कौन सा स्मार्टफोन सजेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही बेस्ट स्मार्टफोन इस वक्त आपको पाकिस्तान की मार्केट में इन्हीं प्राइस के साथ मिलने वाले हैं, ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।